तो देखिए ये एक ब्लैक पॉम्फ्रेट है, इसे हमने काट कर अच्छी तरह से धोकर रखा है। चलिए अब हम सबसे पहले इसे मैरिनेट करेंगे। अब हम इस फिश पर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 लेमन जूस डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इस फिश को अच्छी तरह से दोनों साइड से मसालों से रब करेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। तो चलिए अब हम इस ग्राइंडिंग जार में ये 1/2 कप कोकोनट पीसेस ऐड करेंगे। ये 3 टोमेटो चॉप किया हुआ वो ऐड करेंगे, 1 प्याज चॉप किया हुआ ये ऐड करेंगे और ये 1/2 कप हरा धनिया वो ऐड करेंगे। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, फ्राइंग पैन रखेंगे गरम होने के लिए। पैन गरम हो चुका है, अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुका है, हमारा फिश मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे एक एक करके फिश को फ्राई करेंगे। हमने इसे 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। अब हम इसे पलट देंगे और इसे भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिश फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। बाकी के फिश पीसेस को भी हम फ्राई करेंगे। अब ये भी फिश फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और गरम होने के लिए कढ़ाई रखेंगे। तो चलिए कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब हम 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गरम हो चुका है, अब हम 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 10-12 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से सौते करेंगे। अब हमें जो पेस्ट किया था वो ऐड करेंगे और इस मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे गैस को हमने धीमी आंच पर रखा है। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए मसालों में ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें जो ग्राइंड किया हुआ था जार में पानी डाल के वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। इसमें और 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे हाई फ्लेम पर। अब 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे, इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब ये 2 टीस्पून टैमरिंड पल्प है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके फिश को डालेंगे। ये 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ऐसे हिलाएंगे और इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। तो चलिए 2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस बंद करेंगे, ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए हमारी फिश करी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे चॉप्ड कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे।